पहले दिन से और 14 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वो कफ के प्रभाव में होता है। मतलब सीधा सा ये है कि बच्चे को बचपन में सबसे ज्यादा कफ के ही रोग होते हैं, सबसे बार बार सर्दी होगी, बार बार खांसी होगी, बार बार जुकाम होगा, बार बार गला दुखेगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, कान में दर्द होगा, ये सब होगा। तो सबसे ज्यादा बचपन जो होता है कफ के प्रभाव में, फिर 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके लगभग 60 वर्ष की उम्र तक, आज के जमाने में ये 60 वर्ष कम हो गया, 40 तक ही हो गया, पुराने जमाने में ये 60 तक होता था। 14 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो पित्त के प्रभाव में होता है। माने 14 साल से लेकर 40 साल तक जितने भी रोग होंगे 99% वो पित्त के। ये 40 साल मैंने किया, आयुर्वेद तो 60 साल की बात करता है, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो बात के हैं 40 की उम्र से, 40 की उम्र में ही उनको घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द सब शुरू। मॉडर्न एज है, आधुनिक जमाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिगड़ा हुआ है। तो 40 की उम्र से हम शुरू करें और जीवन के आखिरी दिन तक सबसे ज्यादा बात का असर होगा। माने 40 के बाद के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उम्र के आखिरी दिन तक तो आपको सबसे ज्यादा, तो बात के रोग होंगे 40+, पित्त के होंगे 14+, 14+, और कफ के होंगे 1+ या 0+, जो भी। इतनी मोटी बात के बाद अब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र पर। यह भूमिका मुझे बनाना इसलिए जरूरी था कि मोटी जानकारी